धरती के निर्माण से लेकर अब के समय तक पृथ्वी पर तमाम नए जीव जंतु पैदा हुए और उनका विनाश भी हुआ, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे जानवर थे जो इतिहासकारों के पसंदीदा बन गए, क्योंकि वो सभी अपने रंग रूप और बनावट से इतने अजीबोगरीब थे कि उन्हें इतिहास के पन्नों पर दर्ज कर लिया गया। कुदरत कितनी अद्भुत है, इन जानवरों को देखकर आप यही कहेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसे ही 5 जानवरों के बारे में। प्लैटीबेलेडॉन। प्लैटीबेलेडॉन हाथी से संबंधित बड़े शाकाहारी स्तनधारियों के प्रजाति का जीव था। यह एशिया में सर्वग्रीय मियोसीन युग और कॉकेशक के दौरान रहता था, यानी कि आज से 4 से 15 लाख साल पहले। इसे देखकर मानो ऐसा लगता था कि प्लैटिपस और हाथी का संकरण करा दिया गया है। इस अजीब जानवर को आमतौर पर लोग शॉवेल टस्कर के नाम से जानते हैं, यानी कि फावड़े वाला हाथी, और इसकी वजह थी इसकी मुंह की बनावट। इस जीव की सूंड के नीचे मुंह में 2 बड़े दांत होते थे, जिससे ये पेड़ की निचली छालों और जमीन के घास खोदकर अपनी जीविका चलाते थे। नेक्टोसोरस। नेक्टोसोरस एक विलुप्त पेट्रोसोर है जो लेट क्रेटेशियस काल के दौरान लगभग 85 से 65 साल पहले रहा करता था। यह पहली बार 19वीं शताब्दी के दौरान खोजा गया था और 1876 में ऑथनिल चार्ल्स मार्श द्वारा नामित किया गया था। इसका नाम अंग्रेजी में नाइट लिजर्ड है, जिसका मतलब रात छिपकली। इस पक्षी के पंख 2 मीटर तक लंबे हुआ करते थे और इसके शरीर का कुल वजन 2 किलो से भी ज्यादा हुआ करता था, और इसके शरीर की कुल लंबाई 37 से 55 सेंटीमीटर तक हुआ करती थी, और इसके सिर पर हड्डियों से बने 2 लंबे शिकाहों के आकार के पुर्जे हुआ करते थे, एक ऊपर की ओर और दूसरा पीछे की ओर। दोनों स्पार्श लंबाई में लगभग बराबर थे और दोनों शरीर की कुल लंबाई से लगभग लंबे या समान लंबाई के हुआ करते थे। एनोमेलोकैरिस। शार्क और टिरानोसोरस से पहले दुनिया का शीर्ष शिकारी शायद एक अजीब जानवर था जिसे एनोमेलोकैरिस कहा जाता था। यह आधे अरब साल पहले कैम्ब्रियन काल में रहता था, जब जीवन समुद्रों तक ही सीमित था और जानवरों ने विचित्र आकार लेना शुरू कर दिया था। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि एनोमेलोकैरिस ने एक शीर्ष शिकारी के रूप में इस दुनिया पर शासन किया था, लेकिन तब से अब तक ये जानवर कहीं देखा नहीं गया। लंबाई में 1 मीटर तक या अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी था और इसका विशालकाय आकार लंबाई में 2 मीटर तक पहुंच सकता था। यह अपने शिकार का पीछा अपने पक्षों और बड़े पंखे के आकार की पूंछ की मदद से किया करता था। इसके बड़े नुकीले हाथों से यह शिकार को धर दबोचता और फिर अपने दांतों से शिकार को घायल कर उनका भक्षण करता था, और इन सब में उसकी बड़ी चौड़ी आंखें शिकार पर ध्यान केंद्रित करती थी, जिससे शिकार के बचने की गुंजाइश ना के बराबर थी। हेल्क्यूजेनिया छोटे समुद्री कीड़े थे, आमतौर पर लंबाई में केवल 15 मिलीमीटर, जो कि कैम्ब्रियन काल में रहा करते थे, जब जटिल बहुकोशिकाय जीवन पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ था। पहली बार 1970 के दशक में स्पाइकी हेल्क्यूजेनिया जीवाश्मों की खोज की गई थी और इन नमूनों से एक लंबा कीड़े की तरह दिखने वाला शरीर सामने आया था। इसके रीढ़ पर कांटे थे और 10 जोड़े संयमी पैर नीचे हुआ करते थे, लेकिन खोज के बाद इस कीड़े की संरचना इतनी जटिल थी कि वैज्ञानिकों को उसके मुंह का हिस्सा और पीछे के हिस्से का पता ही नहीं चल पा रहा था, लेकिन हाल ही में इसके मुंह के हिस्से की खोज कर ली गई है। हेलिकैप्रियन। हेलिकैप्रियन, जिसका अर्थ है घुमावदार आरी, और इसका ये नाम पड़ा इसके गोल घुमावदार चक्र की तरह दिखने वाले मुंह से। इसके जीवाश्म रूस और पश्चिमी यूएस में पाए गए थे। हेलिकैप्रियन एक विचित्र प्राणी था जो लगभग 225 लाख साल पहले विलुप्त हो गया था। आधुनिक समय के शार्क की तरह हेलिकैप्रियन की हड्डियां लचीली होती थी और उसके गोल घुमावदार जबड़े में करीब 150 से ज्यादा नुकीले दांत हुआ करते थे।
इसलिए जीवाश्म में इसके छोड़े गए निशान बड़े अजीब थे, जो घुमावदार आरी की तरह दिखते थे, जो कि आज के शार्क से बिल्कुल अलग है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और आप ऐसे ही और वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।